जुटाई एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से 30 अगस्त और काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अभी मूड भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेरा पेमेंट का इशू की वजह से सब कुछ मूड ही ख़राब हो गया। मेरा जो पेमेंट है ना, यूट्यूब पेमेंट जुलाई को आने वाला था लेकिन आज तक नहीं आया हूँ। और आज से डेट है 30 अगस्त और हम लोग जाने वाले हैं औरंगजाव। मैं और हरदीप जी दोनों से जाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको रास्ते में अच्छा अच्छा व्यू और खूबसूरत अच्छा वाटरफॉल वगैरह बहुत कुछ है देखने के लिए वैसे तो, लेकिन थोड़ा काम से जा रहा है और बहुत टाइम हो गया नहीं गया हूँ, बहुत साल ही हो गया यार औरंगजाव नहीं गया। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। ये जो घर है ये है जीमिना का ट्राइब ट्रेडिशनल घर है, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेशन पूरा नीचे में जाने पड़ेगा स्टेशन के लिए। ये देखो यही है मेन रीज़न जब लैंडस्लाइड हुआ था, तो यहाँ से लैंडस्लाइड होके सीधा नीचे चला गया था, उसका वजह से जो ट्रेन है ना पूरा मिट्टी में भर गया। तो ये देख लो खूबसूरत सा लैंडस्केप ऑफ माउंटेन बोडल माउंटेन रेंज। अभी पूरा क्लाउडी है उसका वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा सोंखो बोरो अफरंग व्यू पॉइंट, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। तो गाइस ये है रेजुल, यहाँ पे हम लोग रुका है अभी जस्ट टी ब्रेक के लिए। और यहाँ पे ना ये देखो वेयर टू डूइंग डिस्टेंस 5 किलोमीटर यहाँ से जाते बोरलपुरा माउंटेन में है ना एक गांव है डूइंग बोल के, बहुत ही खूबसूरत है, कभी दिन जाके आपको दिखाता हूँ ये वाला। फिलहाल अभी जाना है हमें औरंगजाव, चलो। ये देखो हम लोग ये जो बोरल माउंटेन रेंज है ना उसका नीचे 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 होके जा रहा है ये वाला रोड दिल औरंगजाव टॉक ऐसे ही जाने वाला है। और रास्ता का हालत तो मत बोलो, ये अभी तो फिलहाल तो ठीक ही है लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद बहुत ही खराब रास्ता मिलने वाला है, ठीक है। और नज़ारा आप देखो, बस नज़ारा ही देखो यार, नज़ारा इंजॉय करो बस जाओ। ये देखो फिर से मिलना शुरू, बस 20-30 मीटर जाएगा उसके बाद खराब रास्ता मिलना शुरू, ऐसे ही होता है। धूल मिट्टी, कितना सारा धूल मिट्टी है, ऐसा बड़ा बड़ा जो ट्रक है ना धूल मिट्टी खिला के जाता है यार, और खूबसूरती तो मत बोलो। सब लोग को ना फ्री में डोल मिट्टी खाना है ना, पाउडर खाना है तो आ जाओ औरंगजाव, फ्री में मिल रहा था। वो रहा ब्रिज, ये ट्रेन का है। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुका है मियुंग्रो, तो यहाँ से ना बहुत ही गजब व्यू में दिखाई देता है इवनिंग को बोलो या
सुबह को बोलो, मॉर्निंग व्यू बोलो, इवनिंग व्यू बोलो, बहुत ही गजब व्यू है यहाँ से। और बहुत रास्ता तो हालांकि मत बोलो, बहुत ही छोटा है, ओवरटेक करने नहीं चाहिएगा। और ये देखो हरंग गजब यहाँ से भी दिखाई देता है, और रेल जो उतरे गए ना नीचे चला गया। ये रहा रंग दो, ये देखो दूर लास्ट पॉइंट में यहाँ रंग दो। करो चलो चलो ना, चलो चलो रंग दो घूम लिया। नाइन ओवरटेक लेके बा किमनारी स्टेशन एगो मियुंग क्रो जटिंगा लंपू, जटिंगा लंपू बोला जाता है इसको। स्टेशन का नाम है जटिंगा लंपू, और ये देखो ट्रेन जा रहा है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ट्रेन जा रहा है, साथ दे रहा है, साथ दे रहा है। चलो जटिंगा लंपू स्टेशन जी हाँ दोस्तों, हम लोग पहुंच चुका है अभी दीदक चौरा, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है वाटरफॉल है। इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जाके जरूर चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में जाके तो मैं आई बटन में दे दूंगा। इधर से जाता है ऊपर, ऊपर में ऊपर, और वाटरफॉल का नाम है बंगला माधव का वाटरफॉल। वेलकम टू हरंग गजाओ गाइस। तो गाइस हम लोग हरंग गजाओ पहुँच चुका है, तो टाइम फिलहाल अभी 1:18 करीब 1.5 आवर लग चुके हैं हम लोग हरंग गजाओ पहुँचने में आप लोगों से, वो भी 32 किलोमीटर। चारों तरफ पहाड़ी पार देखने को मिलेगा। अंदाजे देखो, ये देखो डूल मिट्टी कितने राइट 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 ले लो। चलो गाइस, तो हम लोग अभी हरंग गजाओ पहुंच चुका है, हरंग गजाओ मार्केट दिखाते हैं। हार दो हार दो जिंदर बसता है आज का लेते जब। हाँ ओ माय, मार्केट क्या क्या खाएगा गाड़ी शेड में रुको। मुजामदार स्वीट्स, तो गाइस हम लोग मुजामदार स्वीट्स पे खाने के लिए, कुछ भूख लग गया था इसलिए खाने के लिए रुका था, और मैंने 300 मंगवाया था लेकिन ला के दे दिया लीची। आइस हो गया, आइस ना नहीं हुआ। तो गैस ये जो स्टैचू है ना, जो डिस्ट्रो जो स्टैचू है उसको अभी फिर से यूनिक्रेट कर रहा है, नया कलर कलर डाल रहा है, कलर थोड़ा सा खराब हो गया उसके वजह से। और हम लोग अभी ये जो टाउन कमेटी है, जो बिल्डिंग है नया मार्केट बना है, तो उसी पे आया हूँ। और तो ये भाई का दुकान है, ये खुला है, ये देखो कितना दिन हो गया खुला है, 2 मंथ्स एंड हाफ ना। तो ये देखो यहाँ पे ये सब दुकान है, आप प्रिंटिंग कर सकते हैं टी शर्ट जो भी हो ना, कॉटन को भी कर सकते हैं ना, कॉटन और कप
कैप को भी कर सकेगा, प्रेन जो भी प्रेन करना है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हारंगजाओ से है तो आप लोग जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। चाहे आप शर्ट प्रिन करना है या कैप प्रिन करना है या तो ये भी हो जाएगा ना। ये जो की क्या बोलते हैं उसको, की चेन। तो चलो, मिलके अच्छा लगा, दोबारा फिर मिलते हैं ऐसे ही। ये देखो भाई लोग, रास्ता भी छोटा है और ऊपर से ख़राब है, साइड में पूरा दिक्कत हो रहा है। ये देखो जाम हो गया ट्रैफिक, पीछे में भी बहुत सारा गाड़ी है और आगे भी बहुत सारा गाड़ी है। बस निकल गया अभी, आगे में और भी जाम है। कितना सारा लोड है, ये फॉर्म वगैरह ले रहा है, फॉर्म मैथ्रेस ब्रांड मैथ्रेस फॉर्म। ये तो कितना सारा जाम हो गया रखा है, एक घंटे से पूरा जाम हो गया रखा है। ना आगे जा पा रहा हूँ, ना पीछे जा पा रहा हूँ। जैसे हमने उत्तराखंड गया था ना, उसका जैसे हुआ है यहाँ पे भी। तो गाइस, हम लोग हारंगजाओ से वापस आ चुका हूँ और फिलहाल हम लोग अभी है जाटिंगा वाटरफॉल। तो इसका ब्लॉग भी मैंने बना के रखा है, तो यहाँ पे फ्रेश अप होके हम लोग जाने वाला हूँ फिर से वापस आप लोगों की ओर, और देखते हैं फिर भी दोबारा यहाँ का जो वाटरफॉल है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, ये देखो पूरा दमदम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे पूरा बना रहा है। यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता है, बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे, नहाने के लिए तो मस्त है भाई, मस्त। धूल मिट्टी से पूरा हम लोग चला गया। अरे उधर क्या कर रहा है, इधर नहाएगा या ऊपर? ऊपर भी है, वो ऊपर बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे गड्ढा करके रखा है और उधर भी एक गड्ढा करके रखा है। यहाँ पे एक ब्रिज बनने वाला है, हैंगिंग ब्रिज, तब यह वाटरफॉल का नज़ारा पूरा देख सकेगा आप लोग। ताकि यहाँ पे ना तीन स्टेप होना चाहिए, सब देख पाएगा यहाँ का वाटरफॉल। दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो ऊपर से कर रहे हैं, 1 step 2 step 3 4 step है टोटल, 4 step भी देख पाएगा। ये वाला पूरा डाउन है,